दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि आप अपने Xiaomi Redmi Poco स्मार्टफोन के थीम स्टोर एप्लीकेशन को कैसे अपडेट कर सकते हो। मैं आपको यहां पे दिखा देता हूं मेरे थीम स्टोर में कौन सा अपडेट है अभी यहां पे। एंड यहां पे मैं जाता हूं थीम स्टोर एप्लीकेशन में, ऐप इन्फॉर्मेशन में यहां पे ओपन करता हूं। ओपन करने के बाद आप यहां पे देख सकते हो वर्जन 2.2.1.8 ग्लोबल वर्जन है। सब कुछ बताने वाला हूं कैसे आप अपडेट कर पाओगे, कहां से आपको अपडेट करना है एंड क्या क्या आपको नए फीचर्स देखने को मिलेंगे, सब कुछ आपको आज की इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि ऐसी और प्रीमियम वीडियोस आप मिस ना कर पाओ। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं एंड बात करते हैं कैसे आप अपडेट कर सकते हो। बट उससे पहले मैं आपको यहां पे थीम स्टोर एप्लीकेशन के कुछ फीचर्स बता देता हूं। जैसे आप इसको अपडेट कर लोगे, अपडेट करने के बाद जैसे आप थीम स्टोर एप्लीकेशन को ओपन करोगे आपके सामने कुछ ऐसा यहां पे इंटरफेस ओपन होगा। यहां पे आप देख सकते हो आपके सामने जो टॉप में आपको जो सर्च बार देखने को मिलता है उसको कंप्लीट चेंज करके दिया जाता है एंड यहां पे आपको न्यू थीम्स भी देखने को मिल जाएगी। यहां पे आप देख सकते हो आपके सामने न्यू कैटेगरीज ऐड करके दी जाती है। यहां पे पहले न्यू का ऑप्शन नहीं था, अब यहां पे ऐड कर दिया है। साथ ही टॉप का भी आपको यहां पे फीचर मिल जाता है। अब जैसे आप यहां पे न्यू वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करते हो आपके सामने बहुत सारी थीम्स ओपन हो जाएगी। ये सभी थीम्स प्रीमियम थीम्स है। साथ ही सेकंड वाले फीचर के ऊपर बात करते हैं तो कैटेगरी वाइज आप यहां पे सर्च कर पाओगे। यहां पे आप देख सकते हो कंप्लीट आपके सामने जो भी कैटेगरी होती है वो चेंज हो जाएगी। अगर आप क्लॉक विजिट के लिए कोई थीम यूज कर रहे हो, साथ ही डायनेमिक अगर आपको थीम्स डाउनलोड करना है तो यहां पे आप कैटेगरी में जाके डाउनलोड कर सकते हो। साथ ही यहां पे आपको एक्टिव का ऑप्शन देखने को मिलता है। अगर आप इसके ऊपर क्लिक करते हो तो यहां पे आपके सामने एनिमेटेड थीम्स देखने को मिल जाती है जो कि यार मुझे काफी ज्यादा क्रिएटिव लगी एंड यहां पे आपको जो फीचर देखने को मिलेंगे वो एकदम अल्टीमेट है। तो आप इस वाले फीचर को भी ट्राई कर सकते हो एंड यहां पे आपको सिलेक्टेड थीम्स का भी ऑप्शन मिल जाता है, टॉप का आपको यहां पे ऑप्शन मिल जाता है। इनको आप अपने अकॉर्डिंग यूज करके देख सकते हो। साथ ही यहां पे आपको सामने कुछ और भी फीचर्स देखने को मिल जाते हैं, उनको आप अपने अकॉर्डिंग ट्राई करके देख लेना। साथ ही अगर आप यहाँ पे वॉलपेपर वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करते हो तो यहाँ पे भी आपको न्यू चेंजेस देखने को मिलता है। यहाँ पे आपको जो सर्च बार देखने को मिलता है उसको भी चेंज करके दिया जाता है एंड आप देख सकते हो कुछ इस टाइप का आपके सामने व्यू देखने को मिलता है एंड यहाँ पे भी आपको न्यू वॉलपेपर्स ऐड करके दिए जाते हैं। यहाँ पे भी आपके सामने कैटेगरी को चेंज करके दिया जाता है। साथ ही लाइव वॉलपेपर का आपको यहाँ पे सपोर्ट देखने को मिल जाता है, पहले भी देखने को मिलता था बट यहाँ पे आपको कुछ और भी फीचर्स देखने को मिल जाएंगे। इनको आप ट्राई कर सकते हो, बहुत ही प्रीमियम यहाँ पे लाइव वॉलपेपर सपोर्ट करेगा एंड कंप्लीट यहाँ पे आपके सामने वॉलपेपर होगा वो चेंज हो जाएगा एंड यहाँ से आप सर्च करके भी अपने अकॉर्डिंग कोई भी वॉलपेपर सेट कर पाओगे। एंड यहाँ पे कुछ और फीचर्स देखने को मिलता है, उनको आप अपने अकॉर्डिंग ट्राई करके देख लेना। रिंगटोन वाले ऑप्शन में आप जाते हो तो आपके सामने कुछ ऐसा यहाँ पे व्यू मिलेगा। अगर आप यहाँ पे कोई भी म्यूजिक को अप्लाई करना चाहते हो तो वो कर सकते हो यहाँ से। साथ ही यहाँ पे भी आपको न्यू कैटेगरीज देखने को मिल जाते हैं। फॉन्ट वाले ऑप्शन को भी यहाँ पे फुल चेंज करके दिया जाता है एंड ये वाली फीचर भी मेरे को बहुत ही ज्यादा पसंद आई। साथ ही यहाँ पे आप कैटेगरी वाइज कोई भी प्रीमियम फॉन्ट्स अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे आपके लिए वीडियो आने वाली प्रीमियम फॉन्ट्स के ऊपर तो आप वो जरूर देखना। फॉन्ट वाले ऑप्शन में आपको एक फीचर देखने को मिल जाएगा, जैसे आप ऊपर की तरफ स्क्रॉल करोगे यहां पे आप देख सकते हो ट्रेंडिंग नाउ का, यहाँ पे आप देख सकते हो ट्रेंडिंग नाउ का आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी फॉन्ट को सिलेक्ट कर सकते हो, इंग्लिश फॉन्ट जाती हो या नियॉन थीम, कोई भी नियॉन फॉन्ट लव एंड यहाँ पे कुछ और भी फीचर्स देखने को मिल जाते हैं। एंड यहाँ पे आप साइड में स्क्रॉल करोगे आपके सामने कुछ और भी फीचर्स मिल जाएंगे। तो ये वाला फीचर मेरे को बहुत ही ज्यादा पसंद आया। एंड जैसे आप यहाँ पे फॉन्ट वाले ऑप्शन में ऊपर की तरफ स्क्रॉल करोगे यहाँ पे आप देख सकते हो डिजाइनर का आपको यहाँ पे एक ऑप्शन देखने को मिल जाता है। यहाँ पे डायनेमिक आपको फीचर्स देखने को मिल जाता है। फॉन्ट अगर आप अप्लाई करना चाहते हो प्रीमियम तो यहाँ से आप डाउनलोड कर पाओगे। एंड यहाँ पे लास्ट फीचर की बात करें वो है प्रोफाइल का, यहाँ पे कुछ भी आपको चेंज देखने को नहीं मिलेगा। एंड सेटिंग्स की बात कर लेते हैं तो आपको कुछ ऐसा यहाँ पे व्यू मिलेगा। साथ ही अगर आप थीम्स वाले ऑप्शन में भी जाते हो एंड ऊपर की तरफ आप स्क्रॉल करते हो तो यहाँ पे भी आपको डिजाइनर का ऑप्शन मिल जाता है एंड बहुत सारी यहाँ पे आपको थीम्स देखने को मिल जाएगी। तो आप ट्राई कर लेना। पर यदि यहाँ पे आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कैसे करोगे तो एप्लीकेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ पे क्लिक करना। क्लिक करोगे आपके सामने एप्लीकेशन का यहाँ पे फोल्डर ओपन हो जाएगा, उसको आप क्लिक करके डाउनलोड कर लेना। डाउनलोड करने के बाद आप अपडेट कर पाओगे एंड कोई भी यहाँ पे आपको इशू देखने को नहीं मिलेगा। एंड यहाँ पे जो भी बग है इस वाली थीम में उसको फिक्स कर दिया है। यहाँ पे परफॉर्मेंस भी आपको यहाँ पे इम्प्रूव करके दी जाती है। तो ये फीचर मेरे को बहुत ही ज़्यादा पसंद आया। साथ ही यहाँ पे अगर आप विजिट वाले ऑप्शन में जाते हो एंड ऊपर की तरफ आप स्क्रॉल करते हो तो यहाँ पे आप देख सकते हो आपके सामने जो थीम का फोल्डर देखने को मिलता है उसमें आपको कुछ खास चेंज देखने को नहीं मिलता, बट यहाँ पे आपको जो कैटेगरी का ऑप्शन देखने को मिलता है इसको यहाँ पे ऐड करके दिया जाता है। एंड ये वाला भी मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आया, तो इसको आप ट्राई कर लेना अपने अकॉर्डिंग। तो ये थी एक छोटी सी वीडियो, अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड इस सेटअप के ऊपर बहुत ही जल्द वीडियो आने वाली है तो उसको भी वॉच जरूर करना।